सर आज आप जायजा ले रहे हैं कांवड़ ट्रेन का, साउथ रेंज में कहां कहां किस तरीके का अरेंजमेंट है? कांवड़ एक काफ़ी महत्वपूर्ण अरेंजमेंट रहता है हमारा। करीब एक महीने से हमारी इसके लिए सुरक्षा के प्रबंध किए हुए हैं हमने। सभी कांवड़ कैंप से हमने पहले एडवांस मीटिंग की गई थी ताकि इनके सुरक्षा के नियमों के बारे में इनसे समर्थन ले सके। सभी कांवड़ कैंप में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था है, एक रजिस्टर लगाया गया है, पुलिस की व्यवस्था है, यहाँ पर हर कैंप में डेडिकेटेड स्टाफ डिप्लॉय किया गया है और करीब 21 कैंप साउथ डिस्ट्रिक्ट में है और 22 कैंप साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे कैंप की सुरक्षा के अलावा भी रूट पर, क्योंकि आज काफ़ी भारी नंबर में कांवड़ का पैदल मार्च हो रहा है, तो उसके मद्देनज़र भी हमने रूट पर, इंटरसेक्शन पर, ट्रैफिक पॉइंट्स पर भी लोकल पुलिस के कर्मचारी तैनात किए हैं। सर, जिस तरीके से क्या एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाए गए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से कल रजौरी गार्डन में कांवड़ यात्रा ने उड़दन किया, क्या साउथ रेंज में भी ऐसा कुछ हुआ है अभी तक? अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। लगभग 2500 में से 2000 पुलिस कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट के रोड पर ही तैनात हैं, इसी सुरक्षा के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। सारे सीनियर अधिकारी जॉइंट सीपी से लेकर कॉन्स्टेबल तक सभी रोड पर निकले हुए हैं, अपने अपने एरिया का सुरक्षा जायजा ले रहे हैं, रोड की ट्रैफिक को सुविधा से चलाने की प्रबंध कर रहे हैं ताकि कोई भी हादसा ना हो और हम समय से पहले इसको रोक पाए। सर, जिस तरीके से कल बारिश में शाम के समय और साकेत के पास जो पानी घुस गए थे, मगर नेपसराय थाने के SHO और स्टाफ के साथ वहाँ पर काफ़ी कांवड़ियों को जो है मदद की, क्या कहें? जी, कल बहुत ही अनयूजल हैवी बारिश रही, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग बहुत जगह हो गया था, ट्रैफिक भी बाधित हुआ, इसलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टाफ रोड पे ग्राउंड पे ही था और उनकी मदद से जहाँ जहाँ हम मदद कर सकते ट्रैफिक पुलिस के साथ, हमने रोड खुलवाने का, ट्रैफिक को चलाने का इंतजाम किए। जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग आई उनको MCD की कंट्रोल रूम की मदद से वाटर लॉगिंग खुलवाने का, जो गाड़ियाँ ख़राब हो गई उनको हटाने का, वो सब कार्य किया गया। लेट नाइट तक करीब 2-3 बजे तक हमारा स्टाफ ग्राउंड पे रहा, 12:30 के बाद ट्रैफिक में सुधार हो गया। कहीं पर कोई घटना सर? नहीं, हमारे ज़िले में लगभग कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी और सब ठीक ही रहा।